रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। वीकेंड चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीकेंड चर्चा, हालांकि मामले तमाम तरह के रहे, भारत जोड़ो यात्रा से लेके तमाम मामले समय चर्चा बने रहे, पर एक मामला जो आज हुआ है, जो मुद्दा है आज का, वो बहुत अहम है। मुद्दा बहुत अहम इसलिए है कि सपा के ट्विटर हैंडल को ऑपरेट करने वाले मनीष जगर अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया। उन पर 3 मुकदमे उन पर दर्ज थे और मुकदमों के बाद जिस तरह गिरफ्तारी हुई, उसके बाद लगभग 8 महीने 9 महीने के बाद जागी समाजवादी पार्टी एकदम से सक्रिय हो गई। इतनी कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो अपनी उसी छवि के अनुरूप समाजवादी पार्टी का ही जो आधार रहा था कि समाजवादी पार्टी धरातली संघर्ष करती थी, उसी आधार को बनाकर यहाँ पर पुलिस मुख्यालय पहुँचे, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। और वहाँ पर उन्होंने जिस तरह से कहा कि ये गलत हुआ है और कहीं ना कहीं इसकी कार्रवाई के खिलाफ हम यहाँ पर आंदोलन करेंगे। सपा प्रमुख भी गए, उनके साथ तमाम बड़े नेता भी गए। रविदास मल्होत्रा की बात करें या सोम प्रसाद मौर्य की बात करें, तमाम लोगों का वहाँ पर हुजूम लगा रहा। उसके बाद अखिलेश यादव गोसाईगंज जेल पहुंच चुके हैं और मनीष अग्रवाल से मुलाकात कर रहे हैं, मनीष जगत अग्रवाल। कारण कि अभी हाल में ही भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सोशल अकाउंट को चलाने वाली डॉक्टर ऋचा राजपूत ने समाजवादी पार्टी ट्विटर हैंडल पर यह आरोप लगाया था कि जो भी इसको ऑपरेट कर रहा है उसके द्वारा लगातार जान से मारने की धमकी इनको दी जा रही है। पहला मुकदमा, उसके बाद राकेश त्रिपाठी ने मुकदमा दर्ज कराया था और बीजेपी के द्वारा भी एक मुकदमा दर्ज कराया गया था राकेश त्रिपाठी के माध्यम से, और प्रमोद पांडे के द्वारा भी मुकदमा दर्ज कराया गया था। 3 मुकदमे दर्ज हुए, तमाम तरह की धाराएं लगी, 153 लगी, 500, 501, 504, 503 और 66A एक्ट और तमाम तरह की धाराएं उन पर लगी हुई, और धारा लगने के बाद गिरफ्तारी हुई। और गिरफ्तारी के बाद मार्च में जिस तरह से 10 मार्च को परिणाम आए थे विधानसभा चुनाव 2022 के, उसके बाद 25 मार्च को मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ ने अपनी शपथ ली थी, 37 साल पुराने मिथक को तोड़ा था। उसके बाद समाजवादी पार्टी की वो सक्रियता नजर नहीं आ रही थी जो कि जिसके लिए वो जानी जाती है, पर उसके बाद सक्रियता थोड़ी नजर आई जब मानसून सत्र में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी कार्यालय से विधानसभा जाने का पैदल मार्च का ऐलान किया। उसके बाद तमाम लोगों को नजरबंद कर दिया गया और शायद थोड़ी सनसनी उठी थी कि समाजवादी पार्टी अपने पुराने रूप में आ रही है, पर शायद उसके बाद मानसून सत्र के बाद फिर मामला थोड़ा ठंडा पड़ गया। ठंडा क्यों पड़ा, ठंडी पड़ गई या तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहे। हालांकि इस दौरान अखिलेश यादव अपनी पुरानी सबकों से एक जानकारी लेते हुए, उससे एक निष्कर्ष निकालते हुए अपने विधायकों से मिलने जरूर गए। आजम खान से मिलने 27 महीने नहीं गए, पर यहाँ पर उन्होंने गलती नहीं की। इरफान सोलंकी से मिलने कानपुर जेल भी गए थे, उसके बाद दीप नारायण सिंह यादव से मिलने झांसी जिला जेल भी गए थे। ये स्पष्ट करता है कि अखिलेश यादव अब एक रणनीति के तहत काम कर रहे हैं और अपने लोगों से मिलना, अपने कार्यकर्ताओं से मिलना, अपने विधायकों या पूर्व विधायक से मिलना, जिस तरह से उन पर लगातार पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है, ये बात स्पष्ट करते हैं अखिलेश यादव अब जो गलतियां पहले कर चुके हैं उससे सबक ले चुके हैं, अब वो गलतियां नहीं करेंगे। और जिस तरह से उन्होंने आज सक्रियता दिखाई, मुख्यालय पहुंचे पूरे हजूम के साथ और गोसाईगंज जेल में मनीष जगन अग्रवाल से बात कर रहे हैं, क्या सक्रियता है और क्या ट्विटर हैंडल पर इस तरह की जो बातें कही जाती है वो करनी चाहिए? ट्विटर केवल केवल देश के हमारे लोग के लिए नहीं है, ये विश्व प्रदर्श में भारतीय संस्कृति, भारतीय राजनीति की शुचिता को भी खराब करता है। अगर आप इस तरह के कमेंट करेंगे या आप इस तरह के विवादित बयान देंगे ट्विटर पर, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा हमारे देश की वैश्विक छवि को भी नुकसान पहुंचाएगा। कुछ बयान सुनते, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर खुल गया हो कोई जगह खुल गई तो चाय ना बाहर से आने नहीं पीनी चाहिए, यहाँ की चाय नहीं पियेंगे, बाहर की पियेंगे या हम अपनी लाएंगे, कब आपका ले लेंगे प्लास्टिक का जो होगा, हम नहीं पी सकते, जहर दे दोगे तब? हाँ, नहीं नहीं, हमें भरोसा नहीं है, सच में भरोसा नहीं है मुझे, हम बाहर से मंगा लेंगे चाय, आप भी पीजिए हम भी पीजिए, आप अपनी पीजिए हम अपनी पीजिए। यादव यहाँ मुख्यालय में थे और वहां पर जब उनको चाय के लिए ऑफर किया गया तो उन्होंने कहा कि हम आपकी चाय नहीं पियेंगे और हमें आपकी चाय पसंद है और हम चाय मंगा लेते हैं, आप भी पी लीजिए हम भी पी लीजिए। पर जिस तरह से एक राजनीतिक जो घटनाक्रम आज घटित हुआ है वो एक बात स्पष्ट करता है कि समाजवादी पार्टी अब पूरे माहौल बनाने के साथ साथ अब
धरातलीय मैदान में उतर चुकी है, और जो समाजवादी पार्टी का जो तरीका रहा है, एक जो उनकी विशेषता रही है, धरातलीय संघर्ष पर उस पर आमादा हो चुकी है। और मेरे ख्याल से विपक्ष की भूमिका ऐसी होनी भी चाहिए, पर शायद ये तो यहाँ पर मनीष जगर अग्रवाल की गिरफ्तारी की बात है, पर शायद कुछ और जनता के मुद्दे भी उठाए जाते संघ में, हो सकता आने वाले समय में उठाए जाए तो शायद और बेहतर कुछ छवि बनेगी और शायद जनता का जनाधार भी मिलेगा। खैर हम आपसे मेहमान जुड़ चुके हैं, रूबरू करा दूं, विवेक श्रीवास्तव भाई प्रवक्ता भाजपा पर पक्ष रखेंगे, नितिन सिंह यादव भाई समाजवादी पार्टी पर पक्ष रखेंगे, और वरिष्ठ पत्रकार ग्रुप में पंकज रस्तोगी भाई अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल हमारा नितिन भाई से रहेगा। नितिन भाई, भाई यहाँ पर अखिलेश यादव अचानक से बिल्कुल सक्रिय भूमिका में आ गए, समाजवादी पार्टी की जो विशेषता रही है फिलहाल वो विशेषता बहुत समय बाद हमको नजर आने लगी है, कैसे देखते हैं? और जिस तरह से ट्विटर के माध्यम से जो एक टिप्पणी होती है, कहीं ना कहीं जो वैश्विक छवि है हमारे देश की, हमारे देश की पार्टियों की, हमारे संस्कृति वो खराब होती है, तो इस पर भी एक पहल होनी चाहिए, उस पर रोक लगनी चाहिए, और कहीं ना कहीं जो सक्रियता है वो भी दिखनी शुरू हो गई, कैसे देखते हैं आप? धन्यवाद गौरव जी। चलिए कम से कम आप लोगों को भी हमारी सक्रियता नजर आने लगी, उसे हम लोगों को तो अपनी सक्रियता पहले से नजर आ रही है, हम लोग अपने तरीके से सक्रियता बनाए रखते हैं। चलिए आपको नजर आई, इसके लिए धन्यवाद जी। अब बात आती है कि जैसे आज ट्विटर की बात हो रही है कि ट्विटर में किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए, किस तरीके की, तो उसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की मीडिया सेल की हेड जिनको आप कह रहे हैं ऋचा राही, ठीक, और क्या हो सके तो आपकी स्क्रीन पे भी मैं सामने ले आ रहा हूँ, दिख जाएगा तो अच्छा रहेगा। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ ऋचा राजपूत का एक ट्वीट जी। लिख रहे हैं, डिंपल भाभी से पूछो टोटी पे सही पानी आ रहा है या चाचा के नल में पानी भरना पड़ रहा है। अच्छा, दूसरा ट्विटर इनका है, देखो हमारा अनुभव है, अनुभव में सही हमको दीदी या बहन कहकर ही संबोधित करते हैं, लेकिन युवा मोर्चा में भी आपके साथ ऐसा कुछ कुकर्म हुआ है, आपकी मदद करेंगे, छोटी राजनीति के लिए अपनी माँ बहन और बीबी को समाजवादियों से मत इस्तेमाल कराओ। ठीक, अब लिख रहे हैं, हम जब तक जीवित हैं समाजवादी गुंडे कभी सत्ता में नहीं आएंगे। अच्छा। हाँ, एक सुअर पकड़ने वाली गाड़ी जरूर आएगी। अच्छा। ये ऋचा का ट्वीट है जी। फिर लिख रहे हैं, किसकी, केशव जी या पाठक जी? हाँ। आप उप मुख्यमंत्री, इनका डिंपल भाभी से क्या लेना देना? अच्छा, ठीक। आगे एक रियल ट्वीट दिखाई पड़ रहा है आपको, दिखाएं जी। ये लिख रहे हैं, शिखंडी को डिंपल भाभी का सुन के बुरा लग रहा हो है, आ ले ले। फिर आगे डेडस लिखा है, चला जा अखिलेश भैया को सेवाएं देने का टाइम हो रहा है। ठीक है, ये अरे इस तरीके की आप लंबी लंबी फेरिस्त की ट्विटर की अगर आप देखेंगे, इससे ज्यादा मतलब ये भाषा मैं अगर कह दूं तो ये बुरा नहीं होगा कि ये भाषा अगर जो मतलब जो कुछ मजदूरी बेचारी जो महिलाएं बाजारू काम करती हैं, वैश्यावृत्ति के काम में होती हैं, वो भी इस तरीके की पब्लिक में भाषा नहीं यूज करती हैं, जिस तरीके की भाषा ये भारतीय जनता पार्टी की मीडिया हेड कह सकते हो, इनको जो भी आप समझो क्या है, डॉक्टर ऋचा राजपूत जिन्होंने भैया लिखाने की बात की है, ये ऋचा राजपूत लिख रहे हैं। अच्छा बताओ, डिंपल जी का गनर गेस्ट हाउस के बाहर खड़ा रहता है कैमरे पे ऑनलाइन जब सीक्रेट मीटिंग चलती गेस्ट हाउस में, ये देखने जाती है वहां पर। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे मैं क्या क्या बताऊं जी, बिल्कुल कुछ भी कहो, अखिलेश जी का टॉयलेट और टोंटी पर नजर पहनी रहती है। अच्छा, ये लिख रही है जी। इस तरीके इतनी गंदी गंदी और सारी भाषाएं जो है मैं पढ़ के सुना भी नहीं सकता हूँ, आपका सम्मानित चैनल है और लिखने वाले तो इतने नीच हैं कि उनका नाम भी लेना और चैनल पे बोलना मतलब अपने मुंह से गंदगी निकालना जैसा होगा। ये मैंने कुछ आपको प्रमाण दिए, ऐसे बहुत सारे प्रमाण दिए आपको। भाई मेरा कहना बिल्कुल है, ट्विटर पे इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी करे। तो अब इससे आपको पता लग गया होगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ठीक है किस तरीके की घटिया नीच राजनीति का इस्तेमाल करते हैं। और आप देखते हो लगातार ये हैशटैग टोटी 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 जो लगातार, मैं पूछ रहा हूँ कि योगी जी तो 6 साल तो हो ही गए मुख्यमंत्री, दूसरा कार्यकाल पूरा हो रहा है जी। अगर ये बात थी तो आज तक एक FIR लिखा दिए होते, ठीक, गिरफ्तारी करवा लिए होते, और अगर ये गलत था तो ये क्यों बार बार किया जाता, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? तो ये जो इस तरीके की भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी, बदनाम करने वाली और निष्ठा की राजनीति है, इससे अब आम जनता समझ गई है और समाजवादी लोग भी इसके खिलाफ अब कमर कर चुके हैं। अच्छा। अब इनकी ये निष्ठा भरी बातें
और इनकी गंदगी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम लोग सड़कों में भी उतरेंगे, जरूरत पड़ेगी तो इनके खिलाफ FIR भी लिखेंगे और जरूरत पड़ेगी तो इनका घेराव भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री के संज्ञान में सारी चीजें लाई जाएंगी, या तो इनके खिलाफ कार्रवाई करिए या स्वीकार करिए कि आप खुद करवा रहे हैं। नितिन भाई, पर एक जनता पार्टी, मेरा कहना है पर एक बयान शायद अखिलेश यादव की तरफ से जारी होना चाहिए कि भाई इस तरह की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, अगर हमारी तरफ से हुई है तो उसके लिए भी होना चाहिए, और अगर बीजेपी की तरफ से सही टिप्पणी हो रही है तो उस पर भी लगाम लगनी चाहिए, ऐसी वो बात रख सकते हैं। पर केवल यहाँ पर मुख्यालय जाकर वहाँ पर घिराव करना या गुस्सागंज जाल के मुलाकात करना, वहाँ पर हजूम जगाना, कहीं ना कहीं शायद इस पर कुछ बेहतर और विकल्प हो सकता था, क्या मानते हैं गौरव जी? देखिए, ये गूंगी और बहरी सरकार इसको कह सकते हैं। अच्छा, ये जब तक इसको पकड़ के झकझोरा नहीं जाएगा, अच्छा, जब तक तीखा विरोध नहीं होता तब तक आप देख रहे हो मैंने क्या कहा कि ये 6 साल हो गए योगी जी को और 8-9 साल हो रहे हैं जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरीके की गंदा और तो मैं आपको दिखाऊं, जिस तरीके मैं टीवी में बैठ के गाली नहीं पक सकता हूं, जितनी भद्दी भद्दी गंदी गंदी माँ बहन की गालियां लिखी जा सकती हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये लिखा जाता है, जिसको मैं ना तो दोहराना पसंद करूंगा ना इस चैनल के माध्यम से बोलना पसंद करूंगा, क्योंकि सम्मानित चैनल है और हम भी सम्मानित हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के लोग गंदे हो सकते हैं, क्या कभी भारतीय जनता पार्टी ने इसका खंडन किया कि हमारे लोग नहीं है, कौन लोग हैं जो लिखते हैं इनके बेरी, और जबकि भारतीय जनता पार्टी के वेरीफाइड अकाउंट हैं जी। ये जिनका IT सेल जिस तरीके से गंदगी करता है सुबह सुबह आकर के सोशल मीडिया के अंदर, ये तो इनसे ज्यादा कोई जान नहीं सकता। हम लोग इस पर बहुत ज्यादा अभी तक चेता इसको इग्नोर करिए, लेकिन एक हर चीज की बर्दाश्त की एक सीमा होती है जी। किसी चीज को दबाने की भी सीमा होती है नितिन भाई, पर जिस तरह से ट्विटर जो कि है आपका इंटरनेशनल एक अकाउंट होता है, सभी ग्लोबली चलता रहता है, कहीं ना कहीं भारत की जो संस्कृति है उस पर भी एक प्रकार से करारा कुतारा घात है, इस तरह की टिप्पणी निश्चित रूप से ये बात गौरव जी उन राष्ट्रवादियों को सोचना चाहिए जी, जो राष्ट्रवाद के नाम पर जी देश में पाखंड फैलाने की बात करते हैं, जो कहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया के सामने बड़े अपने परचम फहरा रहा है। अच्छा, ये बात उन लोगों को समझनी चाहिए कि सबसे ज्यादा अगर गंदगी कोई फैलाता है तो भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े लोग, उसके अनुसांगिक संगठनों के लोग सबसे ज्यादा गंदगी भाई, फैलाने का काम करते हैं सोशल मीडिया। भाई आप लोग तो यहाँ पे FIR करा दी, गिरफ्तार भी करा दिया नितिन भाई, तमाम तरह के अभी ट्वीट दिखाए उन्होंने, बताया भी मुझे, कह रहे ऐसे ऐसे ट्वीट है, मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ, बोल नहीं सकता हूँ सम्मानित चैनल पे, अपनी मैं भी सम्मानित प्रवक्ता हूँ। भाई ऐसा इस तरह हो रहा है तो कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगनी चाहिए, और आज समाजवादी पार्टी के जो जिस तरह से आज सक्रियता दिखाई है, प्रदर्शन किया है, वहाँ गए हैं और अपने कार्यकर्ता और अपने सोशल अकाउंट हैंडलर के लिए वहाँ पर मिलने भी गए, कैसे देखते तमाम घटनाक्रम को आप? देखिए गौरव जी, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की जी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था जी, जिन जिन ट्वीटों का उल्लेख कर रहे हैं जी, अगर उन ट्वीटों में कोई ऐसा व्यक्ति ट्वीट कर रहा है जी जो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस बेयरर है और उससे इनको कोई पीड़ा है, तो उसके लिए बकायदा एक सेल है पुलिस के पास, वहां आप जाके उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, इसके लिए पूरे एक IT सेल उत्तर प्रदेश पुलिस के पास है, साइबर क्राइम में तमाम ऐसे सेल है जहां पे आप जाकर इस तरह के अपराध की शिकायत कर सकते हैं जी। और भारत सरकार ने भी एक गाइडलाइन इन सोशल मीडिया के ऊपर बनाई है जी, ऐसा कोई अगर आपके ऊपर ट्वीट आता है कोई आता है, तो उसको भी आप डिलीट कर दें या उस अकाउंट को ब्लॉक कर दें जी। मान लीजिए अगर किसी ट्विटर से, किसी फेसबुक से, किसी व्हाट्सएप से अगर वो चीज छूट जाती है और आपने उसको पढ़ा और आपको उससे पीड़ा है, उसके लिए बाकायदा कानून में व्यवस्था कि आप उसकी जाके कंप्लेंट कर सकते हैं जी। जिस विषय पे आप चर्चा कर रहे हैं जी, उस पे जो लोग पीड़ित थे उन्होंने FIR किया जी, उसी FIR के तहत इनके ट्विटर हैंडलर की गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल ठीक। अब जब अपनी गिरफ्तारी हो गई तब ये पता नहीं कौन सा ट्वीट ला करके दिखा रहे हैं कि साहब ये भाजपा के लोग हैं जी।
उनको भारतीय नहीं आप कह दीजिए ना कि ऋचा जी जो है ये आपकी भाजपा की नहीं है, आप या तो उसका खंडन करिए ना। हम तो आपको दिखा रहे हैं कि ये डॉक्टर ऋचा राजपूत बाकायदा वेरीफाइड अकाउंट है इनका, ब्लू टिक वाला। आप या तो घोषित करिए कि डॉक्टर ऋचा राजपूत ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये कह दीजिए तो मैं दूसरे तरीके की कार्रवाई करूंगा। मेरी 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 बात सुन लीजिए, आपकी बात सुन रहा हूँ। आपने कहा पता नहीं कहां से ले आए, तो मैं आपको ये स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। देखिए डॉक्टर ऋचा राजपूत ब्लू टिक अकाउंट है कि आप पहले तो ये स्वीकार करिए कि आपकी पार्टी की कार्यकर्ता है, आपके आईटी सेल की कार्यकर्ता है या नहीं है, ये जरा डिक्लेयर करिए, तो मैं इसके बाद का जवाब आपको दूंगा। उसी बात मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की कोई ऑफिस बेरर पद ये है नहीं। अब आप वो कह रहे हैं कि नहीं साहब ये आईटी सेल की कार्यकर्ता हैं, आप कह रहे हैं मैं आपसे जान पा रहा हूँ, इन्हें मैं भी नहीं जानता। गौरव जी आप बताइए, अभी आपने इन्हीं का जिक्र किया था ऋचा का, इन्होंने एफआईआर लिखी, एफआईआर कराई भाई, बाकायदा जानकारी है इसकी। और अगर विवेक जी को नहीं जानकारी है तो फिर इनको तो जानकारी करके आना चाहिए कि आज चैनल पर बैठे हैं और जिसके जिसकी वकालत करने बैठे वो पार्टी का है कि नहीं है जी। बताओ ऋचा राजपूत कराई जी या ये लिख कर कराया कि मैं भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल की कार्यकर्ता हूँ? नहीं, बतौर ऋचा राजपूत कराई, उन्होंने कहा मेरे को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो भैया किसी को जान से मारने की धमकी दोगे तो एफआईआर कराएगा, इसका भारतीय जनता पार्टी से क्या संबंध भाई? बिल्कुल। और वो जो एफआईआर करा रही है जी, वो कोई भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का करा रही है संबंध शर्मा से भी नहीं था। सरकार ने कह दिया था ये फ्रिंज एलिमेंट है, अराजक तत्व है, शरारती तत्व है, और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी नहीं थी नुपुर शर्मा। इसका मतलब तो ये लोग देखिए किस बेशर्मी के साथ टीवी चैनलों पर बैठते हैं, और जब इनके कार्यकर्ताओं की करतूतें सामने आती है तो कितनी पैसा कोई चाहिए उसका किनारा कर लेते हैं। तो समाजवादियों ये मैं पूछ रहा हूँ कि आईटी सेल के कार्यकर्ता जो होते हैं डिग्निटी होती है पार्टी में, इनके पास कौन सा पद होता है? ये आईटी सेल के कार्यकर्ता होते हैं समाजवादी पार्टी में, अभी तक बदला क्या है? अच्छा अगर आपको इसी तरह अपराधियों की मदद में सड़क पर गुंडा नाश करना है जी, तो फिर समाजवादी पार्टी में भी तो बदला क्या है भाई? हेलो जी, बोले 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 भाई, सुन रहा हूँ। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह जी भी गायत्री प्रजापति से जेल में मिलने जाते थे बलात्कार के आरोपी। अरे भाई कुलदीप सिंह सेंगर को काहे भूल जाते हो, स्वामी चिन्मयानंद को काहे भूल जाया करते हो, इस तरीके की बात है? नहीं भूलते हैं, लेकिन दिखाता हूँ सामने। ठीक है जी, कुलदीप सिंह सेंगर आर्मी के विश्वविद्यालय से आए हमारे, मैं कुछ दिखाई देता हूँ। चलिए, ये जरा आरएसएस के कार्यकर्ता है भगवा रेसदारी जी, क्या नाम है भावेश, सुप्रीम कोर्ट ने इनको काहे की सजा की है जी? इनको अजमेर बम ब्लास्ट में उम्र कैद की सजा हुई है, ये भगवाधारी भगवे के सम्मान में घूम रहे हैं, इनको काहे बोल? अपराधियों से ओतपोत भारतीय जनता पार्टी, गुंडों से ओतपोत भारतीय जनता पार्टी, बलात्कारियों से ओतपोत भारतीय जनता पार्टी, पाखंडियों से ओतपोत भारतीय जनता पार्टी, ये बगुला भगत बनने वाली बातें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को अच्छी नहीं लगती। ये बगुला भगत है, कोसने से काम नहीं चलेगा। अच्छा, बात करिए, आप बैठ करके अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। अच्छा बोले भी 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 जल्दी बोले, पंकज रस्तोगी जी भी है। ठीक है ठीक है, हो गया ठीक है। पंकज रस्तोगी भाई जी, भाई अजय पत्रकार क्या सोचे आपकी, जिस तरह से आज घटनाक्रम हुआ है, और ये घटनाक्रम आज का नहीं है, पहले भी कई तरह की एफआईआर की गई, दो हुई, उसका तीसरी हुई, उसके बाद आज पुलिस का सगंजा कसा, उसके बाद अखिलेश यादव ने वहां पर मुलाकात भी की है और मुख्यालय भी गए थे, कैसे देखते पूरे घटनाक्रम? देखिए जिस तरह से ये ट्विटर हैंडल जो अंतर्राष्ट्रीय अकाउंट है उस पर किसी भी पार्टी को या किसी भी दल को इस तरह की अनैतिक टिप्पणी नहीं करना चाहिए किसी के भी खिलाफ, चाहे वो कोई दल हो, उसमें बहुत सीमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, और एक वैश्विक स्तर पे उसकी एक छवि है, उससे देश की भी छवि धूमिल होती है, तो इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए। और समाजवादी पार्टी देखिए 2017 के बाद सत्ता से बाहर है, और इस तरह का अगर मनीष जगन अग्रवाल ने जो टिप्पणी की है और जिस तरह से ट्विटर हैंडल पे लिखा है, उनको भी इस तरह के ट्विटर पे इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, किसी के खिलाफ भी इस तरह की चीजें नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए किसी की भी छवि धूमिल करने का अधिकार आपको नहीं है और इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। इसीलिए देखिए आपके खिलाफ ऋचा राजपूत ने अगर एफआईआर कराई और उसके
FIR हुई है तो उसकी गिरफ्तारी भी होगी, तो उसकी गिरफ्तारी हुई तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। और अखिलेश यादव चूंकि अब पूरा प्रदर्शन के मूड में है, उन्होंने आज इस पे बकायदा प्रदर्शन किया, वो पुलिस मुख्यालय पहुंच गए और वहां उनको पुलिस चाय भी पूछ रही थी तो उन्होंने मना कर दिया कि पुलिस हमको चाय में जहर न मिला के दे दे, इस तरह की टिप्पणी उन्होंने कही। तमाम न्यूज चैनल इसको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं तमाम राष्ट्रीय चैनल, तो इस तरह की चीजें हुई। तो उनको पुलिस के ऊपर भी भरोसा रखना चाहिए, पुलिस की कार्रवाई पे भी भरोसा रखना चाहिए। पहले भी वो सत्ता में रहे हैं और पुलिस उन्हीं के क्रियाशीलता से उन्हीं के उनके समय में भी पुलिस ने अपनी दक्षता दिखाई है। तो इस तरह की चीजें नहीं, पुलिस के ऊपर इस तरह के आरोप नहीं लगाना चाहिए। पुलिस अगर कार्रवाई कर रही है तो अगर FIR हुई है तो पुलिस कार्रवाई कर रही है, अगर आपको भी इस तरह का कोई चीज दिखाई देता है तो आप भी उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। और रहा सवाल यह है कि देखिए 2017 के 2019 ये आपके 22 के चुनाव में भी अगर आप देखें तो 22 के चुनाव में महिलाओं की अनदेखी करने का कारण समाजवादी पार्टी को भारी पड़ा और उसको सत्ता हासिल नहीं हुई, ये निश्चित मान के चलिए। 15 करोड़ 2 लाख वोटर थे जिसमें 8 करोड़ पुरुष और 7 करोड़ महिलाएं। अखिलेश यादव महिलाओं के लिए कोई टिप्पणी नहीं करते थे, कुछ नहीं बोलते थे, उनके लिए कुछ नहीं कहते थे। उसका नतीजा क्या हुआ कि महिलाओं का 73% पोलिंग हुई, 5 करोड़ 11 लाख वोट पड़े और उसमें जो है अधिकांशतः वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गए। तो अखिलेश यादव को बहुत सी चीजें अपनी सुधार करना होगा अगर आगे भविष्य में उनको 2024 घटनाक्रम पे क्या बोलेंगे। आज के घटनाक्रम में ये घटना देखिए इस तरह क्या मानते समाजवादी पार्टी अब धरातल संघर्ष पे उतर आई है। नहीं नहीं देखिए समाजवादी पार्टी का अगर IT सेल का हेड गिरफ्तार हुआ है तो समाजवादी पार्टी उसके डिफेंड के लिए तो धरातल पर उतरेगी, उसके बचाव में तो उतरेगी। वो अखिलेश यादव ने किया, अखिलेश यादव पहले कोई भी और गिरफ्तारी होती थी वो भले नहीं जाते थे या चुनाव प्रचार में नहीं जाते थे, लेकिन अब चूंकि उत्तर प्रदेश में 2 महीने बाद निकाय चुनाव होने हैं, निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा प्रमुखता से चल रहा है, उसको लेके भी उन्होंने तमाम टिप्पणियां की है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी उसमें रोक लगा रखी है। लेकिन ये मान के चलिए जैसा कि निकाय आयोग का एक गठन कर दिया गया है और उसके राम अवतार सिंह जो रिटायर्ड जज है उनके अंडर में कमेटी बना दी गई है, वो अपना डिसीजन देगी, उसके आधार पे चुनाव होंगे। तो अखिलेश यादव इसको आगे के निकाय चुनाव की रणनीति के तहत जो मुझको लगता है, मेरा विश्लेषण यह कहता है कि आगे के अपने समाजवादी पार्टी अपने आगे के चुनाव की रणनीति को देखते हुए इस तरह का कृत्य कर रही है कि जिससे आगे जनमानस में एक ये छवि जाए कि उसके जो IT हेड इंचार्ज IT सेल के इंचार्ज जगत मनीष जगन यादव को जो गिरफ्तारी हुई है वो गलत हुई है, उसको वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए देखिए आज वो सेंट्रल जेल में गए बकायदा उनसे मिले। तो ये अखिलेश यादव के अपने पार्टी के सवाल कार्यकर्ताओं पंकज जी आपसे और बेमानसु को लूंगा। पंकज जी क्या आपको नहीं लगता है कि शायद ये तो मुद्दा खैर उनकी आपने कहा कि अपने जो उनका ट्विटर हैंडल अकाउंट को जो ऑपरेट करते हैं उनको डिफेंस करने गए हैं, उनके बचाव में गए हैं, पर आपको लगता है कुछ ऐसे और संघर्ष जनता के मुद्दों पर हो जाए तो शायद कुछ बेहतर होगा। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी देखिए उत्तर प्रदेश का प्रमुख विपक्षी दल है और इस बार के विधानसभा चुनाव में भी उसको अच्छी सीटें मिली, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। समाजवादी पार्टी कांग्रेस हाशिए पे है, बहुजन समाज पार्टी हाशिए पे है और तमाम क्षेत्रीय दल हाशिए पे है, लेकिन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले देखा जाए तो वही मुख्य विपक्षी दल है और एक बहुत बड़ा उसका भी एक बहुत बड़ा जनाधार है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अखिलेश यादव की अनदेखी के कारण आज देखिए उन्होंने मैनपुरी में जिस तरह से चुनाव प्रचार किया और उसके बाद वो शिवपाल यादव की अनदेखी करते थे, उसके बाद शिवपाल यादव को मनाने पहुंचे और उन्होंने शिवपाल यादव को मनाने की कोशिश में वो कामयाब भी रहे, उसका नतीजा क्या रहा कि देखिए वहां पर मैनपुरी की सीट भारी बहुमत से जीते, डिंपल यादव लोकसभा सांसद चुनी गई और वही देखिए वो आजमगढ़ की बात करें और वहाँ अगर आप रामपुर की बात करें वो वहाँ उन्होंने उस तरह से प्रचार नहीं किया, उसका नतीजा रहा कि वो दोनों लोकसभा सीटें वो हार गए। तो इसलिए अखिलेश यादव को इन सब चीजों से देखते हुए अपने पार्टी के देर आज दुरुस्त है, बिल्कुल देर आज दुरुस्त है, उनको अपने आगे जनता के मुद्दों पे भी आ जाए, जनता के मुद्दों पे भी ध्यान देना चाहिए, जनता के तमाम मुद्दे हैं, तमाम विकास के मुद्दे हैं, तमाम तरह की समस्याएं हैं, उसके ऊपर भी उनको बोलना चाहिए और चूंकि वो सदन में भी विधानसभा सदन में भी उनको ये मुद्दा उठाना चाहिए। इस तरह से जनमानस उनको एक विपक्ष की भूमिका में देख रहा है, सशक्त विपक्ष जब तक नहीं होगा तब तक जो है पक्ष जो सत्ताधारी दल है उसके ऊपर अंकुश भी नहीं लगेगा। बहुत सी चीजें वह सत्ताधारी दल अपने मन से करता है लेकिन उसपे एक गहन डिस्कशन होना चाहिए, उस डिस्कशन से ही उसका रास्ता निकलता है। ठीक है, ठीक है, इसलिए विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण है। हमारे साथ संवाददाता बिभांशु मणि त्रिपाठी इस समय जिला जेल गोसाईगंज लखनऊ से जुड़ चुके हैं। बिमार से पूरा घटनाक्रम आपने देखा, वहाँ पर गए भी थे, पुलिस मुख्यालय भी आपने वहाँ पर कवरेज किया और इस समय जेल के बाहर पर आप गोसाईगंज जेल के बाहर खड़े हुए, कैसे देखते हैं घटनाक्रम को, क्या स्थिति वहाँ की रही और क्या प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी के लोगों की नेताओं की रही? जी
गौरव जी आपको बता दें कि बीते महीनों से लगातार समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रस्तावों के बीच जो ट्विटरिया वार था, अब उसमें एक नया मोड़ आते हुए दिख रहा है। आपको बताएं कि आज सुबह अचानक जो समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडलर है मनीष जगन अग्रवाल, उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए दर्जनों आईपीसी के धारा लगाते हुए पुलिस ने उन्हें गिरफ्त में लिया। उसके ठीक बाद अचानक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय पहुंच गए, वहां कैंटीन में जाकर बैठ गए, जिसके बाद आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो आने का सिलसिला था वो लगातार बढ़ता गया और प्राइम टीवी ने उसको अपने कैमरों पे दिखाया। आपने देखा गौरव जी कि वहां अगर बात की जाए तो सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी का विरोध को लेकर वहां पहुंचे थे और गेट नंबर 2 के बाहर स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि पूर्व सरकार में मंत्री रहे हैं साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी अध्यक्षता में कार्यकर्ता खाकी के और साथ ही साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। इसके ठीक बाद वहां अखिलेश यादव आला अधिकारियों से मिलने की बात कहे, मगर वहां उनकी तरफ से कहा गया कि आला अधिकारियों में वहां कोई मौजूद नहीं था। और साथ ही जब वहां अफसरों ने उन्हें चाय पीने का उन्हें ऑफर किया तो उन्होंने कहा कि मैं चाय आपकी नहीं पीऊंगा, हो सकता है आप चाय में जहर मिलाकर लाए हो। और बात की जाए तो उनकी तरफ से कहा गया अगर मेरी चाय पीने की इच्छा होगी तो मैं खुद अपनी चाय लेकर आऊंगा। उसके ठीक बाद जब वह उनसे आला अफसर नहीं मिलते हैं, उसके ठीक बाद वो आपको बताएं कि जहां मैं खड़ा हूं जिस जिला कारागार लखनऊ, यहाँ अखिलेश यादव आते हैं और मनीष जगन अग्रवाल से मुलाकात करने की पेशकश करते हैं। लगभग आधे घंटे यहाँ अखिलेश यादव रहते हैं अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ, और उसके ठीक बाद उन्हें मनीष जगन अग्रवाल से मिलने की अनुमति नहीं मिलती है। उसके बाद वो यहाँ से महज अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से निकले हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो ट्विटर वार है गौरव जी, वो अब जमीन पर नजर आ रहा है दोनों समाजवादी पार्टी और साफ तौर पर अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है और अगर देखे तो एक तरफा कार्रवाई कर रही है। और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो पुलिसिया तंत्र को गलत उपयोग करके अब विपक्ष को कमजोर कर रही है, जो कि लोकतंत्र को कहीं ना कहीं खंडित कर रहा है, ऐसा समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है। गौरव जी कहीं ना कहीं देखा जाए तो हाल फिलहाल में हम आपने देखा है कि महीनों से लगातार ट्विटर पर अमर्यादित भाषाओं का दोनों तरफ से प्रयोग हो रहा था। वहीं अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव अपने मीडिया बाइट्स में भी इस चीज को कहे हैं कि कार्रवाई केवल क्यों एक तरफा हो रही है। आपको बताएं कि अभी अगर बात की जाए तो महज 2 बजे एडीजी एलओ प्रशांत कुमार की तरफ से एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि जो मनीष जगन अग्रवाल है उनकी गिरफ्तारी को लेकर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो उनकी तरफ से कहा गया कि मनीष जगन अग्रवाल के ट्विटर अकाउंट से और साथ ही साथ वो ट्विटर हैंडलर हैं और उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनके ट्विटर अकाउंट से लगातार अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा था जिसके चलते पुलिस उन्हें गिरफ्त में ली है। अगर बात की जाए तो तमाम धाराओं के तहत उन्हें गिरफ्तारी की गई है, उसमें 501 भी लगाया गया है, 420 लगाया गया है, आईटी एक्ट एंडोर्समेंट लगाया गया, इन सभी धाराओं में मनीष जगन अग्रवाल को गिरफ्त में लिया गया है। एक सवाल लेकर कहीं ना कहीं एक सवाल रहेगा आपसे कार्यकर्ता जी जी विमान से एक सवाल जरूर रहेगा, क्या वहां पर आने वाली क्या मुहिम होने वाली है कि यहाँ पर मुलाकात नहीं हो पाई है? अब समाजवादी पार्टी का अगला स्टेप क्या होने वाला है इस आंदोलन को लेकर, इस आर पार की लड़ाई को लेकर? जी जी मनी गौरव जी, आपको बता दें कि इस सवाल को जब प्राइम टीवी टीम ने पूर्व मंत्री के स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछा तो उनका साफ तौर पे कहना था कि समाजवादी पार्टी अब सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन करते हुए नजर आएगी। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनकी तरफ से कहा गया कि जो सरकार है, जो उसकी दमनकारी नीति है, उसके खिलाफ हम लगातार आवाज उठाएंगे, साथ ही जो एक तरफा कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ हम दिल्ली से लेकर और राजधानी लखनऊ अलग अलग जिलों में अपने कार्यकर्ताओं को जगाएंगे और सड़कों पे ले आएंगे और सरकार के खिलाफ जो बोलने का हमारा अंदाज है उसमें बदलाव ले आएंगे। तो देखने वाली बात यह होगी गौरव जी कि कितना बदलाव आता है, मगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो विधानसभा के चुनाव हुए उसके बाद समाजवादी पार्टी महज ट्विटर पे नजर आती थी, अब कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो विपक्ष का भूमिका है उसको अब समाजवादी पार्टी निभा रही है और
आने वाले दिनों में माना यह जा रहा है, जैसा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि हम अब प्रदर्शन करेंगे सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ बोलेंगे, तो आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती भी है, क्योंकि देखा जाए हाल फिलहाल में तो कई यात्राएं हर दलों की तरफ से निकाली जा रही है, मगर समाजवादी पार्टी बंद कमरे में बैठकर बस मीटिंग बनाते हुए नजर आ रही है। जी ठीक है, धन्यवाद विमानसु, तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए थे हमारे साथ विमानसु मणि त्रिपाठी, जो कि जिला जेल से अपनी तमाम जानकारी दे रहे थे। नितिन भाई, जिस तरह से विमानसु मणि त्रिपाठी का बताया कि अब समाजवादी पार्टी सरकार के दमनकारी नीतियों के खिलाफ अब सड़क पर प्रदर्शन करने वाली है, और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी ऐसा स्टेटमेंट दिया, कैसे देखते हैं? जी निश्चित रूप से देखिए गौरव जी, एक लोकतंत्र में एक परंपरा होती है कि कोई भी सरकार का जब पुनर्गठन होता है या नई सरकार है, तो विपक्ष उसको 6-8 महीने का समय जन कल्याण के काम करने के लिए दिया जाता है, और इसके बाद कामकाज की समीक्षा होती है। जब लगता है कि नहीं सरकार अब जन कल्याण का कामों से विमुख है और दमनकारी नीतियों की तरफ आगे बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से विपक्ष अपनी भूमिका में आता है। और अब वो समय आ गया है, 6 महीने बीत चुके हैं सरकार के गठन के, उससे ज्यादा का समय हो चुका है, और अब जब लगातार समीक्षा हो रही है, और आपने देखा बीच में जैसे आपने सवाल किया कि आदरणीय अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि हम पुलिस पर विश्वास नहीं कर सकते, हम उनकी चाय नहीं पी सकते, आप देखो क्यों विश्वास किया जाए, जो पुलिस मनीष गुप्ता को होटल के अंदर पीट पीट के मार देती है, जो पुलिस कानपुर की रनिया के अंदर बलवंत सिंह सेंगर को पीट पीट करके उसकी हत्या कर देती है, जिस पुलिस के यहाँ अगर कोई फरियादी लेकर के जाता है अपनी फरियाद बेटी की शिकायत, तो उस बेटी के साथ बलात्कार कर देती है, जो पुलिस कन्नौज के अंदर अगर बेटी से माँ की जाती है बेटी के बलात्कार करने की शिकायत कर रहे हैं तो थानेदार उसी माँ का बलात्कार कर देता है, ऐसी पुलिस पर ये योगी जी की पुलिस है, इस पर कैसे कोई विश्वास कर सकता है? ये पुलिस पाकदा निरंकुश हो चुकी है, अब पुलिस का वो चेहरा ही नहीं रहा जो लोकतंत्र में होना चाहिए था। आज पुलिस पूरी तरीके से सरकारी गुंडों की तरीके विपक्ष को दमन करने का काम कर रही है, इसलिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संदेह घेरे में पुलिस भी अब आने लगी है। पुलिस को अपने रवैये पे बदलाव लाना पड़ेगा, निश्चित रूप से उसको ऐसे काम कर पारदर्शी काम करके दिखाने पड़ेंगे जिससे विपक्ष और आम जनमानस में पुलिस का इकबाल कायम हो, उसके प्रति एक सम्मान बढ़े, पुलिस को देखते ही लोग कम से कम उसको सलूट करें, उसको नमस्कार कर दें। लेकिन आज पुलिस का जो चेहरा है वो बड़ा क्रूर और भयानक चेहरा हो गया। नितिन भाई, विवेक श्रीवास्तव का कहना था कि अगर भारतीय जनता पार्टी के जो ट्विटर अकाउंट की तरफ से या जो भी यानी ट्वीट किए गए, अगर वास्तव में आपको दिक्कत थी तो आप भी उनके खिलाफ साइबर सेल में जा सकते थे, और ट्वीट के खिलाफ आप भाई एड्रेस कर सकते थे, आप भी अपनी शिकायत पहुंचा सकते, आपने शिकायत क्यों नहीं पहुंचाई? निश्चित रूप से देखिए, मैं अभी आप कहूंगा इस बात का विवेक जी बहुत कुबर, भारतीय जनता पार्टी एक तरफा काम कर रही है, समाजवादियों की दी हुई तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, कानपुर के सचेंडी थाने में एक लड़का ने जिसने अपना नाम अमुक यादव बताया जबकि वो दुबे है और सचेंडी के गांव में रहता है, और उसने फर्जी टाइप से सोशल मीडिया के चैनल पे अपना नाम बार बार मैं यादव हूँ कहते हुए अखिलेश यादव जी के लिए बहुत भद्दी भद्दी गालियों का इस्तेमाल किया, बहुत भद्दे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया, और समाजवादी पार्टी के जो यूजन सभा के वहां के क्षेत्र विधानसभा का अध्यक्ष था, हमारे जिला अध्यक्ष थे, सबने 3 तहरीरें दी, और आज के दिन तक वहां की पुलिस ने ना तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की, ना वहां पर उसकी गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक और वहां के सांसद का उसके ऊपर हाथ है। ऐसे तमाम, मैं आपको लिंक भी भेज सकता हूँ, मेरे पास वो लिंक भी पड़ा है, आज भी यूट्यूब पर वो चीजें मौजूद है, जिस तरीके से पार्टी के लोग रुपये लोग अपने चेहरे को बदल करके अपने नाम को बदल करके और इस तरीके से समाज में गंदगी फैलाते हैं। और पुलिस, अभी कल की घटना बताऊं, कल हमारा एक कार्यकर्ता धनराज पंडित है उसके खिलाफ 506 में एक झूठी FIR दर्ज कर ली गई, अलिया दी गई भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा, और इसके बाद वो स्वयं थाने में जाकर के आमने सामने चूंकि वो मिला नहीं, कभी उसके संपर्क में नहीं आया, तो कहा अननोन फोन से, जबकि उस वो गांव का प्रधान है और गांव का प्रधान अननोन नहीं होता है, और उसके खिलाफ गांव के प्रधान के खिलाफ एक तहरीर दे गई कि अमुक व्यक्ति ने हमको फोन पर
जान से मारने की धमकी दी, हमको गाली दी गई और उसके खिलाफ एक FIR दर्ज की गई है। और उसने कल मुझे फोन करके बताया कि मेरी उस व्यक्ति से करीब कई सालों से बात नहीं होती है। अच्छा। आमने सामने रहते, मुझे कहना होगा तो मैं उससे आमने सामने बात करूं, लेकिन बस पुलिस ने और उसने तहरीर दी, उसकी तहरीर पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है बाकायदा पुलिस समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तहरीर पर कोई मुकदमे नहीं लिखे जा रहे। मैं इसके एक से 10 उदाहरण आपको दे सकता हूं और मैं आपको बाकायदा लिंक भेज सकता हूं। अगर आप गौरव जी थोड़ी हिम्मत दिखाएं तो वो लिंक अगर आप अपने चैनल में चलाएं तो निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि वो व्यक्ति टीवी चैनल पर अपना नाम यादव बताते हुए करने और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नेता को कितनी फुहड़ गालियां दी हैं, जबकि वो भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा का सचिव है और जाति से ब्राह्मण है। जवाब ले लो, जवाब। विवेक भाई, भाई आप कह रहे हैं FIR दर्ज कराने जाइए, नितिन भाई कह रहे हैं तीन दिन तैयारी जाती है FIR दर्ज होती नहीं है, ये कैसा रवैया भाई, जवाब दीजिए भाई। देखिए देखिए गौरव जी, नितिन जी ऐसा आरोप लगा रहे हैं, अगर ऐसा कोई पकड़ इनके संज्ञान में जहाँ पे इनकी कोई जिनमें FIR नहीं लिखी गई, तो बहुत अच्छा होता कि ये लोग जाते थाने पे दबाव बनाते कि साहब मेरी FIR लिखिए, और अगर इसके बावजूद भी नहीं लिखी जाती है तो हिंदुस्तान के कानून में 156(3) का भी एक प्रोसेस है, बाजरी अदालत आप लिखवा सकते हैं FIR। समस्या तो ये है कि समाजवादी पार्टी के लोग कानून में विश्वास रखते नहीं। अच्छा। इन्हें तो सड़क पर उतर करके उधम करने में मजा आता है। अरे उधम क्या कर रहे, संघर्ष कर रहे, संघर्ष से थोड़ी कहते हैं। अच्छा। कौन सा संघर्ष है? अच्छा। आप अपराधियों से जेल में मिलने जा रहे, इसको संघर्ष कहेंगे? अच्छा। भाई अगर आपका कोई जेन्युइन बात FIR नहीं लिखी जा रही है तो आप थाने पे जाएं, थाना नहीं सुन रहा तो CEO के पास जाए, CEO नहीं सुन रहा तो SP के पास जाएं। अच्छा। नहीं, इसके बावजूद भी तो आपके पास 156(3) का प्रोसेस है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। जुडिशरी में आप इधर सारे प्रोसेस छोड़ कर दीजिए। विवेक जी, 156(3) के बाद भी थाने में ही जांच होती है और पुलिस उस पर भी FIR लगाती है। जहर मिला देंगे, ये बचकानी बातें नहीं तो और क्या है। इसी पे अगर भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश पप्पू हुआ है, इनको बुरा लग जाएगा। अच्छा, जवाब दीजिए भाई, फिर पंकज भाई को लेता हूँ। जी विवेक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब वही लुटेरे वही टोली के कहार, तो आम जनता उत्तर प्रदेश की जाए कहां? वही लुटेरे हैं, वही टोली के कहार हैं, वही सरकार है, वही उत्पीड़न करने वाले हैं, तो कहां जाएगी जनता? अच्छा भाई, जल्दी जवाब दीजिए भाई, कह रहे भाई लुटेरे वही कहार है टोली के। जी गौरव जी, ये तो इनको अपना समय याद आ रहा है। अच्छा। जब इन्होंने पुलिस में एक जात विशेष के लोगों को भरा था। अच्छा। तब स्थिति ये होती थी कि मारने वाला भी याद हो, विवेचना करने वाला भी याद हो, थानेदार भी याद हो। अच्छा। अब आज इनको उससे इतनी स्थिति नहीं, समझ में नहीं आती है। विवेक जी, विवेक जी पिछले 6 साल में कितनी भर्तियां की है, कितने कितने लोग भर्ती किया, जरा उसका आंकड़ा दे दो। विवेक जी पिछले 6 साल में कितनी भर्तियां आपने की है और किसको भर्ती किया, जरा बता दो। उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, बता दीजिए भाई, बता दीजिए। ठीक है, अब सुनिए, तो आपको ले ले रखा है जी। नहीं सुनो, जो आप आरोप लगा रहे हो वो तो निराधार है, लेकिन मैं प्रमाण दे रहा हूँ। अभी गोरखपुर विश्वविद्यालय में 72 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई है, जिसमें से मात्र 6 बैकवर्ड शेड्यूल क्लास के लोग हैं और 68 टोटल जो 68 है वो एक बिरादरी से समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जिसमें योगी जी की बिरादरी के 48 लोग हैं। योगी जी की बिरादरी के 48 असिस्टेंट प्रोफेसर सिर्फ ठाकुर बिरादरी से भर्ती किए गए हैं। ये आरोप जब लगाना भूल जाओ, ये देखो कि आप लोग जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं हो बल्कि एक मानसिक गुलाम के रूप में बैठे हो, जिसको सच्चाई नहीं दिखाई पड़ रही है। बताओ, ये 48 प्रोफेसर जो असिस्टेंट भर्ती किए गए गोरखपुर विश्वविद्यालय में, 21,000 पर भर्ती किए गए, 21 योग्यता भर्ती किए गए, कहां चला गया बैकवर्ड का आरक्षण, कहां चला गया शेड्यूल कास्ट का आरक्षण? अपने गिरेबान में झांकने के बजाय आप दूसरे तोहमत लगाना शुरू कर देते हैं, यही समाजवादी पॉलिटिक्स। गिरेबान में नहीं दे रहा, 6 साल से सरकार में बैठे, मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ। आप स्वीकार नहीं करोगे, आईना देखिए, जवाब दीजिए। 48 जो योगी जी के रिश्तेदार भर्ती किए गए हैं। जी ठीक है, ठीक है। विमानसु, अपने संबंधित विमानसु से बात करें, विमानसु ये बताइए कि अब वहाँ स्थिति क्या है, कि अभी भी वहाँ पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता मौजूद है या अभी वहाँ की स्थिति क्या है?
जी गौरव जी, आपको बता दें कि स्थिति की अभी बात करें तो आप जिला कारागार का प्रांगण पूरी तरह से खाली देख सकते हैं। जो कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे अब पार्टी के दफ्तर जा रहे हैं और उनकी अच्छा। तरफ से कहा जा रहा है कि हम वहां एकत्रित होंगे पार्टी के दफ्तर आगे की रणनीति पर और अच्छा। सरकार के खिलाफ जो हमें मोर्चा खोलना है उसको लेकर रणनीति तैयार करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के दिशा अनुसार हम आगे की लड़ाई जो है वो लड़ेंगे। उसी क्रम में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेत्री ऋचा सिंह की तरफ से महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी का एक और मामला दर्ज हुआ है अच्छा। जो कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के ऊपर हुआ है अच्छा। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि जहां आप बीते महीनों से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा देख रही है उनकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि महज एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, वहीं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अब मर्यादित भाषाओं का प्रयोग जो है वो दोनों तरफ से हो रहा है, तो अब दोनों तरफ से कार्रवाई की जाए। और अब देखने वाली बात ये होगी कि कार्रवाइयों का जो दौर है, जहां एक मुकदमा और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल पे हुआ है महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का, तो अब इसमें आगे क्या होता है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि हम सभी ट्वीट्स को इकट्ठा करके लगातार थाने पर FIR के लिए जाते हैं मगर उनकी तो उनके FIR दर्ज नहीं होते हैं। तो ये आरोप कहीं ना कहीं सवालिय का निशान खड़ा करता है और देखने वाली बात ये होगी कि जो इस आरोप प्रत्यारोप का दौर है ये कहां तक जाता है। वहीं अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं आज समाजवादी पार्टी आज सुबह से ही एक्टिव नजर आई और आने वाले दिनों में जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने कहा कि हम आगे भी लड़ाई ऐसे ही लड़ते रहेंगे। अब आने वाले दिनों में देखने वाली बात यह होगी कि उनकी तरफ से पार्टी के अंदर में क्या बदलाव आता है। जो उनके नेता कह रहे हैं सड़क से लेकर संसद तक हम संघर्ष करेंगे। अगर बात की जाए तो जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ मार्च के महीने में, उसके बाद कहीं ना कहीं देखें तो समाजवादी पार्टी बंद कमरे से ही निर्देश जारी करती रही मगर, और वहीं अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया गया। उस वक्त कहा गया कि इसमें सभी विपक्षी दल शिरकत करेंगे। जब उत्तर प्रदेश में 3 दिन के जो भारत जोड़ो यात्रा है वो पहुंची, उस समय समाजवादी पार्टी के और तमाम नेताओं को निमंत्रण भेजा गया, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि हम अपनी यात्रा और अपने कार्यक्रम में व्यस्त हैं और जल्द ही हम अपनी यात्रा निकालेंगे। तब देखने वाली बात यह होगी कि उनकी यात्राओं में कितनी मजबूती देती है और पार्टी को कितना मजबूत करती है। जी गौरव जी, बहुत धन्यवाद तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। नितिन भाई कैसे देखते हैं और कहा जा रहा है कि आगे की रणनीति अब सपा प्रदेश कार्यालय बनाई जाएगी, उसके बाद ही कुछ फैसला किया जाएगा कि किस तरह से आगे सरकार को घेरना है और इस दमनकारी नीति के लिए जो कहा जा रहा है। जी निश्चित रूप से गौरव जी, जैसे कि मैंने कई आपको उदाहरण दिए और अब उन सारे चीजों को एकत्रित करके जो पुलिस के DGP हैं उन तक पहुंचाया जाएगा, जो जिलों के मामले हैं वहां के कप्तान को भी संज्ञान में लिया जाएगा कि हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा इतनी तहरीरें लगातार दी गई इन पर अभी तक कोई FIR क्यों नहीं दी गई और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा झूठी तहरीरों पर भी तत्काल मुकदमे लिख करके हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरीके से दमनकारी नीति अपनाई जा रही है तो इसकी निश्चित रूप से समीक्षा की जाएगी। तो एक रणनीति के तहत ये जो विवेक जी बार बार कहते हैं देने ही चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए, 156(3) में आ जाना चाहिए, हम लोग पैसे से अधिवक्ता है, हमें पता है कि 156(3) में कैसे जाया जाता है, 155(2) में जो NCR होती है उसकी विवेचना भी कैसे कराई जाती है, लेकिन जब दर्ज ही नहीं किया जाएगा भाई बोल रहे हैं आप अधिवक्ता क्यों नहीं कर रहे हैं। पूरी पूरा पहला अधिकार जो थाने की पुलिस होती है उसका काम होता है FIR को होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना, तो ये तो दर्ज करना पुलिस का अधिकार है और हमारा नैतिक हमारी नैतिक अधिकार है कि हमारी FIR दर्ज की जाए। अगर वो गलत पाई जाती है तो उसको पुलिस जो पुलिस होती है वो मौके पर तुरंत उसको टेस्ट करती है, टेस्ट रिपोर्ट में उसको खारिज भी कर सकती है, टेस्ट रिपोर्ट में उसको FIR लगा सकती है। ये तो पुलिस का नकारापन है कि और सरकार का नकारापन होता है जब हमें न्यायालय का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, निश्चित रूप से आज हमें पुलिस की इससे जो विवेक भाई कह रहे हैं इससे पता चल रहा है कि इनकी पुलिस कितनी नकारा है आम आदमी की तहरीर पर कोई कार्रवाई, इसको प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं। भाई ये इनकी पुलिस का अधिकार है और पुलिस का कर्तव्य भाई, तो हमारा अधिकार है पुलिस के कर्तव्य समाप्त हो जाएंगे लोकतंत्र में। नितिन भाई ये इनकी पुलिस क्यों बोल रहे हैं, यूपी पुलिस है, इनकी पुलिस क्यों बोल रहे हैं आप, इनकी पुलिस यूपी इनका है सरकार इनकी है। अच्छा
यूपी की सरकार जिसकी होती है पुलिस उसकी भी होती, सरकार हमारा है, होती है, सरकार हमारी है, आप यूपी निश्चित रूप से जिसकी सरकार होती पुलिस उसकी होती है। ऐसी बात क्यों कर रहे हो? अरे आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, बिल्कुल सरकार हमारा है, प्रदेश हमारा है, सरकार नहीं है, दोनों के प्रवक्ता नहीं हो, दोनों हमारे, तो क्यों डिफेंड कर रहे हो फिर? कहा डिपेंड कर रहा हूँ, आलोचना करिए कि पुलिस नकार रहा है, मैं कह रहा हूँ पुलिस नकार रहा है, तो आप पुलिस पुलिस हत्या कर रही है, पुलिस बलात्कार कर रही है, इससे ज्यादा पुलिस का थोड़ा सा चेहरा क्या हो सकता है? सड़क उतर के नौटंकी करने क्या जरूरत है? क्यों कह रहे हो फिर? क्यों कह रहे हो कि अपना समय याद आता है? वो पुलिस हमारी थी नहीं, हमने कहा था वो पुलिस हमारी थी, ये पुलिस किसकी है? ये पुलिस है, सुन नहीं जानते वो इनकी पुलिस नहीं है, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। अच्छा, आप आज आप समस्या ये है कि आज आप लोग डिस्टर्ब हैं। अच्छा, हम तो कह रहे हैं कि सरकार हमारी है, प्रदेश हमारा है। नितिन भाई बोल रहे हैं कि आप क्यों नहीं बोल रहे हैं बेबी भाई की पुलिस नकारा है, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? पुलिस का पक्ष क्यों ले रहे हैं नितिन भाई? ये कह रहे हैं हमने पुलिस का पक्ष कहां लिया है? हमने तो ये कहा कि भाई पुलिस बलात्कारी है, कानून में है, कहिए पुलिस बलात्कारी है, सड़क उतर के नौटंकी करने उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, कानून का पालन करिए। ठीक है, इधर में कानून का राज है, कौन सा कानून का राज? कानून लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी होता है? जी। पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि नहीं? और पुलिस ही बलात्कारी हो जाए, पुलिस किसका राज? इसका मतलब सरकार का राज नहीं है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। पंकज भाई जी, कैसे रहते तमाम घटना को चर्चा खत्म करता हूँ। देखिए, एक बात तो तय समझ लीजिए, जब से योगी सरकार बनी है 2017 से, और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने अपराध मुक्त प्रदेश देने का काम किया है और सुशासन अच्छा देने का कार्य किया, उसी का नतीजा है कि आज अभी योगी आदित्यनाथ जैसे 4 और 5 जनवरी को मुंबई की यात्रा पे थे और 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश वहां के उद्योगपतियों ने दिया, वो भी सुशासन के कारण। तो उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आप पुलिसिया कर प्रणाली की बात करें या जो करें, और ये मेन समझ लीजिए कि जिस तरह से अखिलेश यादव की निद्रा टूटी, 27 महीने आजम खान जेल में रहे लेकिन अखिलेश यादव उनसे मिलने नहीं गए, और क्या नाम है ये, आप जो है कम से कम जगन मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद जो अमर्यादित टिप्पणी करने के कारण जो आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो उनसे मिलने अखिलेश यादव कम से कम ऐसी संस्कृति से बाहर निकले और पार्टी के ऐसी संस्कृति से बाहर निकले, और मुलायम सिंह यादव जो धरती पुत्र कहे जाते थे, मुलायम सिंह यादव जो धरती पुत्र कहे जाते थे, उनकी चीजों का अनुसरण करते हुए, मुलायम सिंह यादव की चीजों का अनुसरण करते हुए आज अखिलेश यादव आज जो है बाहर निकले हैं और कार्यकर्ताओं को जागृत करने का काम कर रहे हैं। और आज जो है अखिलेश यादव जिस तरह से उनकी कार्यशैली दिखाई दे रही है, नहीं यही कार्य अगर उन्होंने पहले किया होता तो आज स्थिति दूसरी होती। अच्छा। लेकिन आज जो है अखिलेश यादव आज जिस तरह से मैनपुरी में भी उन्होंने मेहनत किया उसी का परिणाम रहा कि आज उनको वहां विजयश्री मिली। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप सभी मेहमानों से कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह चर्चा थी कि जिस तरह से ट्विटर पर तमाम तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी हो रही थी, इसके चलते यहाँ पर समाजवादी पार्टी के ट्विटर अकाउंट हैंडलर के मुख्य मनीष अग्रवाल को जो यहाँ पर मनीष जगन अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया, कहीं ना कहीं एक बात स्पष्ट करता है कि अगर ट्विटर पर तमाम तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी होंगी तो उससे सरकार की छवि भी खराब होगी, देश की छवि भी खराब होगी, क्योंकि ट्विटर का व्यवस्था है वो ग्लोबली है। तो तमाम तरह की जो टिप्पणी उससे बचना चाहिए, और अगर वास्तव में राजनीति करना है या आरोप प्रत्यारोप करने तो कम से कम उसकी भाषा ऐसी होनी चाहिए तो शायद उसको हम लोग पढ़ भी सकें और शायद उस पर किस तरह की FIR ना हो या उस पर कोई भी आरोप प्रत्यारोप ना हो। अगर वास्तव में हमको कटाक्ष करना है तो राजनीति पर करें, मुद्दों पर करें, जनता के लिए करें। अगर केवल पर्सनल या निजी उस पर कटाक्ष करें तो कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी, और कार्रवाई यहाँ पर हुई है मनीष जगन अग्रवाल पर, जिस पर लेकर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी आक्रोशित है, और आक्रोशित इतने हो चुकी है कि अब आर पार की लड़ाई आने वाले समय में देखी जा सकती है। फिलहाल आर पार की लड़ाई शायद जनता के मुद्दों पर हो तो शायद कुछ बदलाव भी होगा। फिलहाल जो हुआ है उस घटनाक्रम पर एक बात स्पष्ट होती है कि समाजवादी पार्टी कि प्रमुख अखिलेश यादव अपनी पुरानी गलतियों सबक ले चुके हैं। अब वो जान चुके हैं कि अगर कुछ में कुछ होगा उनके कार्यकर्ताओं के साथ, उनके विधायकों के साथ, तो हमको जाना पड़ेगा, तभी जनता और तभी कार्यकर्ता समझेंगे कि हाँ सपा प्रमुख अब जाग चुके हैं और वो करने जा रहे हैं जो कि समाजवादी पार्टी की एक परिभाषा रही है, एक विशेषता रही है। पर संघर्ष शायद जनता के मुद्दे के लिए हो तब भी बेहतर रहेगा, अन्यथा जो व्यवस्था चल रही है वो चलती रहेगी। एक ही बात कहूँगा अंत में कि अगर वास्तव में चाहते हैं कि संस्कृति में कुछ अच्छा हो,
वर्चस्व भारत का जो विश्व व्यवस्था में है, संस्कृति में है, वो बना रहे, तो उसके लिए इस तरह के ट्वीट नहीं करना चाहिए, चाहे वो पार्टी हो और चाहे निजी हो और चाहे आम आदमी हो। ट्विटर का उपयोग केवल जानकारी के लिए करें, संचार के लिए करें और बेहतर उद्देश्य के करें, ना कि किसी को जलील करने के लिए, उसकी मान मर्यादा को खंडित करने के लिए। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।